ट्वेल्थ में जून जुलाई में मेरे हाथ बहुत ऐंठने लगे। उसी बीच में इसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी, हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इसे पढ़ाई से दूर रखिए, लेकिन ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था। बेटा है मेरा यश, स्कॉलर डेन में एडमिशन कराया था हमने इनका, तो इनका जुनून था शुरू से ही, इसमें जाना है, आईआईटी करनी है और स्कॉलर डेन से ही करनी है। नाम सुन रखा होगा, मैंने तो सुना नहीं था लेकिन इन्हीं से पता चला। तैयारी भी बहुत अच्छा कर रहे थे क्योंकि इनके अंदर जुनून था, सुबह को निकल जाना, रात को आना, वहीं पे स्टडी रूम में अच्छी तैयारी करा रहे थे वहाँ की। जैसे जैसे मुझे इससे पता चलता था, इसकी देखती थी मैं एग्ज़ाम परसेंटेज, तो उससे दिखता था कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में इसने पता नहीं पढ़ाई को इतना डीपली ले लिया कि बस एक जुनून। घर में भी मैं देखती थी कि सुबह को यहाँ से 7 बजे गया है, रात को 9 बजे स्कॉलर डेन से आया, उसके बाद भी 12 बजे तक पढ़ने बैठ गया, सुबह को फिर 4 बजे उठ के नहाना, निकल जाना। तो एक इसने ऐसी बैठा ली अंदर, हम भी नहीं कैच कर पाए कि इसने कब डिप्रेशन में आ गया थोड़ा सा पढ़ाई को लेके। लेकिन डिप्रेशन में भी वही एक जुनून कि बस करनी है करनी है। उसी बीच में इसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी, हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इसे पढ़ाई से दूर रखिए, लेकिन ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर इसी थोड़ी परेशानी को लेके मैं थोड़ी परेशान ज़्यादा हो गई क्योंकि बच्चे को देख रही थी, तो उसके अंदर जुनून और पढ़ाई से दूर करने को कहा डॉक्टर ने। तो वहाँ जाके स्कॉलर डेन में सर से मिली, बीटी सर से, उन्होंने बिल्कुल मेरे बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए कहा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं दबाव हो कुछ, नहीं, उन्होंने कहा आज से ही इसकी यहाँ से पढ़ाई को एक तरफ करके थोड़े दिन के लिए इसे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 3 महीने लगे, जितने दिन में रिलैक्स हो जाए, पढ़ाई बाद में है, पहले स्वास्थ्य है। इसको भी बेटे को भी समझाया कि बेटा जीवन है तो सब कुछ है, ज़रूरी नहीं है कि इसी में है, बहुत लाइनें हैं, बहुत कुछ कर लोगे। तो वो बातें मुझे इतना टच कर गई थी, बहुत अच्छी लगी, और बेटे को भी वो बातें ऐसी लगी कि ये उस दिन से ही अपने बेटी सर का बहुत करता है। इसने उसी दिन ठान लिया था कि मैं नाम रोशन करके दिखाऊंगा। और इसने अपनी बीमारी के होते हुए भी, बीमारी दवाई चल रही थी डिप्रेशन की, लेकिन घर जरूर बैठा, हमने पूरी कोशिश की कि इसे मूवी में और गेम्स में या बुक्स में, या फिर मोबाइल नहीं था, मोबाइल लेके दिया सब में, ये थोड़ा सा अपने आप को अलग करे और थोड़ा सा इंजॉय करे। लेकिन किया इसने हमारे कहने से, मना नहीं करता, लेकिन प्रायोरिटी इसकी रही है कि बस पढ़ाई करनी है किसी भी तरीके से। मेरे बेटे के अंदर सब बहुत क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वालिटीज़ मैंने ये 2 साल के अंदर देखी, जब भी देखने के लिए मिली, बहुत फ़ख्र है मुझे। और कैसे बना, जब वहाँ गया, कोचिंग सेंटर गया, वहाँ के टीचर्स के संपर्क में रहा, वहाँ के स्टूडेंट्स के संपर्क में रहा, तो वहाँ से इसने बहुत कुछ सीखा। उससे पहले अगर कोई कमी रही भी होगी, इसने वो सब अपनी ख़त्म की और बहुत अच्छा स्टूडेंट बना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एडवांस भी बहुत अच्छे मार्क्स से निकालेगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसी टाइम में जो मैंने गलती की थी, वहाँ मुझे योगा और मेडिटेशन वगैरह नहीं मिली, और उस इनके साथ साथ मेरे जो रूटीन था वो थोड़ा ख़राब हो जा रहा था हेल्थ के लिए, और स्लीप आवर्स कम थे, तो इसकी वजह से मेरी एक बीमारी होने लगी डिप्रेशन जैसी। तो उसकी वजह से फिर ट्वेल्थ में जून जुलाई में मेरे हाथ बहुत ऐंठने लगे, ऐसा मतलब क्लास के बीच बीच में हो जाता था, बस में हो जाता था। और फिर डॉक्टर ने दवाई दी, तो उन्होंने फिर कोर्स दिया, फिर 8 महीने का वहाँ पे कोर्स दिया, तो वहाँ पे फिर मैंने लेकिन तब भी कंटिन्यू रखा, मुझे घर पे करना पड़ी। उसके बाद मेरी फिर एक बीमारी और हुई बैठने की वजह से, सिस्ट की, और वो पता नहीं वो इतनी धीरे धीरे बढ़ती गई कि ऑपरेशन की भी नौबत आ गई। फिर इसका अभी फरवरी में जाकर पता चला, तो अभी मेरा फिर अभी ऑपरेशन हुआ मार्च में, और अभी 15 दिन पहले मेरे अब रिकवर हो पाया हूँ 15 दिन बाद। इसी बीच मैंने मेंस का पेपर भी दिया था जिसमें मेरी 98.89% आई थी। इस पूरी जर्नी में जो मैंने अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ करी वो थी कि मेरा अपनी डाइट को ज़्यादा फोकस नहीं किया, और योगा और मेडिटेशन को मैंने प्रायोरिटी नहीं दी, उसकी वजह से ये वाली जो मेरी प्रॉब्लम थी उन्हीं की वजह से बड़ी होती गई, और इसी की वजह से जो मुझे स्कॉलरशिप छोड़ना भी पड़ा, ये नौबत आ गई। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को देखना चाहिए, जैसे स्लीप आवर्स कम से कम 8 to 10 hours होने चाहिए, और डाइट को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। मैंने ये वाली मिस्टेक जैसे जैसे
अपनी सही करी तब मेरी प्रिपरेशन भी बूस्ट होती गई। उस टाइम जब ये वाली प्रॉब्लम हुई थी तो वीटी सर से ही मिला था, तो वीटी सर ने भी बताया कि वाली इसकी वजह से कि थोड़ा रेस्ट लेने को और इन इस इन चीज़ों से ध्यान हटाने को। तो फिर थोड़ा उनकी बात जो उन्होंने जो कहा था वो सारी चीज़ें फॉलो करी और उसके बाद अपने रिदम में आ गया और अब बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरा मानना है कि जहाँ तक मैंने देखा कि खाली पढ़ाई से नहीं होती है डिप्रेशन, हमारी कमियाँ रही हैं कुछ। जैसे उसकी पढ़ाई चलती थी, सुबह को 7 बजे जाता था कोचिंग और रात को 9 बजे आता था, तो मैं ही उसकी डाइट को थोड़ा सा नहीं रख पाई कंटिन्यू, और थोड़ा सा योगा मेडिटेशन में नहीं रह पाए। वहाँ चलती थी उसमें उस कॉलेडाइन में, लेकिन ये थोड़ा लेट पहुँचते थे, नहीं कर पाए। तो हमें ही फोकस करना था कि जब बच्चा सारा सारा दिन पढ़ रहा है तो थोड़ा सा सुबह को योगा कराए, मेडिटेशन कराए। डिप्रेशन कोई हवा नहीं है अगर उस तरीके से समझा जाए। और ठीक है, बीमारी आई है, डिप्रेशन आई है, तो उसकी मेडिसिन ली है, लेकिन हमने और चीज़ों में जहाँ हमारी गलतियाँ हुई हमने उस चीज़ को समझा और डाइट को कंटिन्यूस रखा, बच्चे की पढ़ाई को जो कंटिन्यूस लग रहा था ज़्यादा उसे थोड़ा सा कम कराया, नींद प्रॉपर कराई उसे, और टीचर्स के संपर्क में रहे बराबर। बच्चे की अगर पढ़ाई हम हटाते तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा हो जाती। नहीं, पढ़ाई की वजह से नहीं, पढ़ाई उसके लिए प्रायोरिटी रही है पूरी, उसने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा चाहे कैसे भी दिक्कत रही। ज़रूरत होती है उस समय अगर बच्चा किसी डिप्रेशन में जाता है, किसी टेंशन में जाता है, बच्चा अगर डेली की तरह जैसा आपके साथ था उसका बिहेवियर नहीं है, तो हमें उसे समझने की, टाइम देने की। आप उसे टाइम दीजिए, टाइम देंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़े उसे आपके टाइम की भी ज़रूरत थी, थोड़ा उसके खान पान का ध्यान रखने की भी ज़रूरत थी, थोड़ा रिलैक्स की भी ज़रूरत थी, थोड़ा उसके साथ में एंजॉय की भी ज़रूरत थी। तो हम इन चीज़ों को हम करेंगे, मैंने किया और देखिए आज बच्चा भी मेरा सही है। मैं सर से मिली थी, इसकी जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको लेके, तो सर ने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे फॉलो किया, और आज देखिए बच्चा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और पढ़ भी रहा है, पढ़ाई भी नहीं छूटी है, और घर में भी सब हैप्पी है। तो थैंक यू स्कॉलर नन और थैंक यू बेटी सर, थैंक यू। वैसे तो मेहनती है बेटा, मेहनती बहुत है, मुझे पूरा विश्वास है जब इसने इतने स्ट्रगल के बाद में डिप्रेशन में बच्चा आ जाता है ना, तो पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देता है। और जैसी इसकी स्थिति रही है, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन इसने उसे प्रायोरिटी नहीं दी। अपनी जो एक जो फोकस है इसका अपनी पढ़ाई कि मुझे बनना है, एक ITN बनना है, उसकी प्रायोरिटी रखी इसने, सब चीज़ों को साइड में किया। और पूरी उम्मीद है मुझे अपने बेटे की कि एडवांस में भी मेरा बच्चा टॉप पे रहेगा। बीटी सर का फेवरेट स्टूडेंट तो है ही, बीटी सर भी इसके लिए प्राउड करेंगे, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी एडवांस का एग्जाम क्लियर करके यश को हक करने वाले हैं और कहने वाले हैं आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।